जी बाबा जी का नाम लाओ प्रकाश संतान चपाओ रुकावट के लिए खेद है लाल बादशाह सरकार इतने कोई नमैश नहीं कर रहा पैसे पूसे की आए बंदे की इज्जत करना सानू साडे बुजुर्ग उस्तादा सिखाया असं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिदे ना किसी नजर लग जाए सब तो गरीब आर्टिस्ट मैं हाँ तो सब तो लुक के मैं ही देना हूं अज जो भी मैं करा मैं माफी जरूर दे दो तो यार तीन दिन पहला दलेर मेहंदी को क्या हो फिर आ जाए मैं यकीन ही नहीं आ रहा यह तो तीन साल पहला बुकिंग है जी 13-14 लाख खुद लगे 13-14 फिर लग जाता लख 13-14 लाख ब्याज वाले भी लै जाते जिन्हें इन्हू बुला बड़ा काम खराब है बहुत ज्यादा ही काम खराब है मैं खुद देखा ना 20 कमरे रेडिसन होटल 5 स्टार से बुक है 14 कमरे प्रेजिडेंट हाउस में बुक है ये रुपया ना नहीं बंदे आते मुहब्बत ना आते फिर कोई नुमाइश नहीं कर रहा मैनू जरूर माफी दे देना मैं ना किसी की कापी कर रहा ना नुमाइश कर रहा पैसे मैं मंगण वाला एक एक मलिया हुआ रुपया भी मैंने मिले मैं कहना थैंक यू हजूर जींदे रहो सरकार मैं कहने से आकड़ करनी है मैं कोई इतने ये थोड़ी साबित करना कि कोई पैसा नहीं कोई नुमाइश हो रही बाकी साढ़े फनकार दोस्तों भावों अज मेरी गुजारिश है कि अज 2 घंटे सानू दे दियो सारी रात गायो कल धुप्पे भी गाई जाए सानू कोई गुस्सा नहीं घंटा कहो गाना अद्धा पौना घंटा खान साहब ने इन्हों मैं खान साहब भी अज तो क्या करना मैनू मैं इधर का गाना इन्हों का नहीं सुनिया जो अज गाना हो रहा वो गाने में भी जरा ताड़ियां मारो रिकॉर्डर वाला गाना होर तरह का हों आवामी गाना हों कुछ नहीं दे सकता पैसे दे के तुम नहीं बुला सकता सी भाई साहब मेरी सरकार तुसी वाकई तुसी अज दसता कि ना नुसरत का गाना गा रहा ना सलामत खान का ना गुलाम अली ना किसी होर का अपना गाना गा रहे हो नवी जगह उत्थे स्केल उत्थे जाके टच कर रहा जिथे गवैये दे इंसानी गले की कुकत नहीं होंगी गल्ला जिन्हिया मर्जी कोई करी जाए मारो जरा ताड़ियां से अगला गाना सुनो मैनू अज तक मैं उही समझना जो जलंधर दूरदर्शन तो प्रोग्राम जलंधर रुकावट के लिए खेल है जिस बच्च मैं आया करांगा मैं माफी चाहना मैंने दे दूंगा कप आज मैं तो थोड़ी बराए थोड़ी मेहरबानी थोड़ा सारा का शुक्रगुजार क्योंकि मेरे जिन्हें कलाकार मेरे भैन मेरे भरा मेरे वीर मेरे बुजुर्ग जो गाने सुनते हैं गाते हैं समझते हैं और जिन्हें बंदे मैं आप जी का बहुत बहुत तह दिलो शुक्रगुजार हूँ मेरा ध्यान का मकसद एक तुम होर गल दसा शायद हंस भाजी कदे दसन ना दसन ये दरबार है तो हरदम सच बोलना चाहिए जिते सुरीले लोग हों उत्थे सच जरूर बोलना चाहे वह काले हो नीले होीले हो चिट्टे हो सुर तो सुर है कहते उसे सच बोलना चाहिए भाजी को 3.5 साल पहला लड़ाई इतने तक हो गई सिर्फ इन्नी गलत फहमी 2-3 कलाकार ने हंस भाजी ने कहता कि दलेर मेहंदी ने तुहानू बुजुर्ग कहता स्टेज वो क्लिपिंग तो टीवी आ गई हंस भाजी ने फोन चुकया बहुत ही गुस्से और उन्होंने अपनी मिठी आवाज सिर्फ गाला शुरू की थी। सरकार असी थोड़ी ऐसा शुरू हो गए भाजी मैं क्या यार ये कलाकार बंदा ये गाला नहीं कर सकता और मैंने गाला कटने भी नहीं बहुत मिठे साल मिठे ही बोली जा रहे मैं भाजी होया कि नहीं तुम मैं ये कर दे लिया मैं कर लिया मैं वो कर लिया बहुत मिठा मिठा तो माँ भैन दिया गाला चंगी सुरीले सुर चटिया रहने मैं मैं परिवार से बैठा थी मैं रोटी खा तो मेरा मूँह लाल हो जाए जी फोन तो हो ही गया रात ने शो कट्ठे किया और जिंदगी पहला और आखिरी शो से कदे मेरा कदे पंजाब नाल वाह नहीं पिया शो करन दा ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम सारे अज्जी असीसा ने मैं इतने बुलाया
साल च घटो घट 250 शो हो जाते हैं, पर पूरे 15 साल मेरा ज़्यादा तो ज़्यादा कोई 13वां शो होएगा 15 साल पब्लिक पूरे पंजाब 15 साल मैं 13वां शो कर रहा। सो उन्होंने गाला कटे, मेरा मुँह लाल हो गया की हो गया, बच्चे सारे मेरे ना बैठे रोटी खा रहे, तो वो देखी जा रहे हैं। मैं बाजी इस मैं तुम्हें हूँ बाजी, मैं तुम्हें वापस फोन करता, किसी तुम्हें फोन रखो। ये थे अपना गुस्सा बुरा ना। अच्छा मेरे दोनों ये थी कि साढ़े तो व्डे ने सुरीले ने लुट्टी हीर ने फकीर के इन्ना कमाल गाने गाए ने, कट के सियालो बूटा कीड़े में नहीं जाता, मैं फैन इन्हों का। हम वो मुँह चाहिए गाड़ा मनू पे, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं फोन रखा, 5 मिनट बाद में दौड़ के अपने गार्डन च लॉन्च गया, फोन मिलाया। मैं क्या भाजी तुम हरदम जी गाला कटते हो, तुम्हें ऐसा लगता जो बेनती कर रहे हो सरकार थोड़ी है थोड़ी ठीक है, जो माँ भैन दी वड्डियां गाला पर छोटिया लग रही थोड़े मूँह तो गाला इदा कटी दी ने। वो तुम्हें पता जिदा मेरा आवाज फूड भी मैं उन्ना ही रज के है, जो सुर पिछे जान देना सुर पिछे जान भी ला देना। मैं एडिया एडिया दो चार गाला कटियां, इतने तक होगी तू कि उ आ जा भाजी, कहते आ जा देख लें एक दूजे को। और यकीन करो मैं लड़न लिए तुर पिया, मैं बह भी बॉबी गड्डी कहना मुंडे लैने, मैं मुंडे लौड़ने असं बस लड़ना ही है जाके। असं निकल पाए और मेरा छोटा भरा मीके को पता लगा, बॉबी ने थोड़ा बहुत दस दिया तेनाली लड़ाई होगी। मीका कहना भाजी क्यों है तू, हंस भाजी बहुत चंगे, मैं तू नाम बिच बोल अज मैं लड़ना ही है, अज वो हल होना ना मैं दसना है। मैं वाला जो फोक अपने आप में समझी जाता वाला फकीर बनाया नहीं जी, असी लड़ी खूब लड़ाई हार गया जी। अद्धे रात गुरु नानक महाराज जानता है दरबार, अद्धे रात संजीव नंद 10-12 होर बंदे कट्ठे हो गए, सारे रोकया कहते थानू कोई गलतफहमी हुई है, वो इदा कर नहीं सकता, इन्होंने कहना इदा कर नहीं सकता। ये कहना गाला खास सुनिया अपने मूँह एडिया मिठी, मैं क्या मैं भी मिठिया सुनिया इन होर कोई कड़ नहीं सकता। सो बाद फिर यह होया कि दोवे दोवे का मन मिटाओ फोन से खत्म हो। मैं क्या भाजी थोड़ी तसली कि तुम गलतफहमी दूर हुई, मेरी हो गई तुम दसो हो गई, कहते हो गई। मैं क्या अज तो बाद फिर तुम साढ़े लिए उही सत्कार योग रहो, सारी उम्र रहोगे, कि तुम पंजाब का नाम बहुत उच्चा किया गा कर हम भाजी, अभी तो हरदम बच्चे रहोंगे थोड़े सामने। उसके 6 महीन बाद मैं ड्रीम सवेरे 4 बजे आई सपना कि भाजी को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम एक अपना ऐसा स्कूल ऑफ म्यूजिक शुरू करो जिथे सिर्फ सूफियाना सिखाया जाए, सूफियाना गाया जाए, ताकि पंजाब के बहुत ही हूँ भी जोड़े बच्चे छोटे छोटे ने बहुत सुरीले, पंजाब की मिट्टी बहुत सुरीली है। तो तुम हंस भाजी कहो जहा सूफी स्कूल शुरू कर जिथे इबादत बारे बंदगी बारे दसया जाए, जिथे सिर्फ सूफियाना कलाम सिखाए जा सुनाए जा। वो हूँ भाजी ने शोभा दिता, मैं अज गुजारिश करा तो मैं वो ड्रीम भाजी ने दसिया 2 साल पुरानी गल है, तो असी सिर्फ 3 दिन पहला प्रीति सपरू जी की शादी के इकट्ठे हुए हैं। उत्थे हंस भाई ने कहा कि भाजी की तुम उत्थे नंबोदा आओगे, तो मैं जो तुम्हें कहा कि मेरा पहला इस जगह पर आना नहीं होया। मैं भाजी की आवाज से मैं भाजी सुन सकता हूँ, क्योंकि मनु जो नज़र आ रहा है बंदा जो जहा मर्जी हो, लेकिन जो रब का नाम चाहे वह झूठ ही लगा रहे वो हौली हौली सच हो जाता। तो भाजी ने इन्नी इबादत इन्ने फकीरी गाने गाए ने, तो बंदा अपने आप ही दरवेश होना शुरू हो जाता। मैं चाहवागा थोड़िया सारे आशीर्वाद ब्लैसिंग इन्हों पर रहन, तो भाजी भी साड़ी है रिक्वेस्ट मनन कि बहुत हो गया हूँ नचना टपना होर सारे गाने, एक वधिया सूफियाना एक स्कूल इन्ना वड्डा खोलन, पर चाहे अपने पिंड खोलन जलंधर खोलन इस जगह तक जिथे इन्हों दिल करता है शुरू करन, जिथे सिर्फ गायकी और कलाकार एक तो एक वड्डे लोगों को सुनने मिलन। मैं गुजारिश करूँगा भाजी अगर तुम यह साड़ी रिक्वेस्ट मानो, क्योंकि पंजाब च या पूरे पंजाब के बाहर जोड़े पंजाबी लोग नहीं ने वो यही समझते हैं जो भी साड़ा नाम आता है तो सब पहले ये कहते हैं कि वो तो सूफी गायक है, मैं थोड़ा गुस्सा तो आ जाता कई बार,
सच्ची गुस्सा आता है। सूफी गायक बाकी असं गा नहीं सकते, पर जिन्हों रब ने ना दिता हो, जिन्होंने नवाजा हो, तो तुम तुरता ही सूफी है, तो सूफी ताड़ा नाम रवे। साड़ी बस महाराज अगे अरदास है कि गुरु महाराज दिन पर दिन ताड़े मन नूं बुद्धि नूं होर उच्चा होर शुद्ध करी जाए, ताकि आने वाली नस्लां ताड़े नाम नूं दूर तक याद रखन। मैं चाहवा कि सारे सामने तुसीं साड़ी बेनती कबूल करो, जिथे ताड़ा दिल करदा सी शुरू करो। मैं बहुत ही भावुक हो गया, इन्हां ने 3 साल 3.5 साल पहला वाकया दस्या। मैं सारी जिंदगी हुण जिन्नी देर जीना, पहली गल तो मैं माफिया मंगी जाने, वो गाला मैं की कटनिया सी जदों मैं गाला कट रहा सी, जिदा कहिंदे वे तू इदां गाला कट रहा जिदा शहद की चाशनी दे के। मैं रिश्तेदारां च बैठा 5 मिंट वेट कर जरा मेरिया गाला सुनी, वो जिहड़ियां मैं कट रहा सी, मैं की करां मेरे च कदी कदी मेरी बरादरी आ जाती है शोक वाला झोंका। वो पता नहीं किदां दे लोक आ, उहनां नूं गाला ही इस तरह दियां आउंदियां, वो मेरे में आ जाता कई बार मेरा पापा। तो मैं जिनी देर जीना, मेरे प्यो ने कहा भी सी चूड़े को सड़ा के रखी अपने निकले हराम जा रहा, मजहबी सिख च सिर्फ आकड़ ही होंगी होर कख नहीं हों। मेरे में कभी कभी वो जाग पता, लाल बादशाह की गवाही में मैं एक तो माफी मांगता जोड़ा थोड़ा गुस्ताखी की, और वे बंदे वे होंगे मैं मुड़ के जिंदगी की गाल की है जबान वढ़ दो मेरी, जो किसी भी मैं गाल कदा तो वो माफी तो जी क्या बहुत लाजवाब गाल कटिया इन्होंने। मैं गल इतने तक पहुंच गई कि मैं दिल्ली होटल में आया तो कहते कितने कि रूम नंबर, मैं क्या आपे बुक कराया आ जा। वो मैं नहीं सी, वो मैं नहीं सी बोलता, मेरे से मेरा यार बोलता सी, मेरी बराबरी है, मैं करा कि बस्त बस्ता माफी। अज तुसी सारे पंजाब नूं मोल लै लिया जो मैं सारे पंजाब का नौकर हाँ, मैं जगह जगह झोली अट के कहूँगा कि एक बंदे ने एड्डी वड्डी गुस्ताखी तो बाद 3 दिन के नोटिस से आके मस्तों के दरबार। एक होर तुहानूं दसां मैं, कोको कोला होवे, लक्स होवे, जिन्नियां मल्टीनेशनल कंपनियां वो तो इन्हां नूं बुला सकदियां दरबार से, जिंदगी च पहली बार गा रहा किसी दरबार से, दरबार से पहली बार 3 दिन के नोटिस में। अल्लाह तुहानू हमेशा चढ़ती कला, जिनी देर मेरे च सवास सवास है तुहाडे ते, कहिंदे दोस्त एक तार सरंगियां दी नाले मैं तेरी नौकर नाले तेरे संगियां दी, तुहाडे तो मैं माफिया मंगिया करनी, तुहाडे साजियां तो भी माफिया मंगिया करांगा। मैं अपने प्यो की गल मनांगा, अपने विचले हुण मैनू भुल गया मैं कौन है, उहनू थापड़ के सलाह रखांगा। थैंक यू। तो तुहाडा वादा आ गया कि अज तो ही तुम जदों कहोगे सारे पंजाब के सिंगर मैं होर जिन्हें भी लोग ने साडे नाल और जिन्हें वे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रवीए, सो भाजी तुम शुरू करो पंजाब की जगह तो ही, साढ़े पंजाब तो एक बार पंजाब घराना सूफी का बजना शुरू हो जो विरसा तुम सारे कलाकार ने तुम पूरी शाह बडाली जी होर बड़े वे वे नाम है जिन्हें नाम शायद मैं गाने सारे सुने ने नाम नहीं फिर जानता, वो मैं माफ़ी चाहवागा। तुम लोगों ने विरसा संभालना है तो ताड़े भी शुरुआत होनी, आज तुम प्रोमिस करो। मैं वादा करता संगत में बहुत जल्दी जो इन्होंने हुक्म लाया वो पूरा करांगा। अपनी बाल के सेकनी चाहिए है, अपनी बाल के सेकांगे, बनी बड़ाई नहीं सेकनी, अभी अपनी बनावे कि असं नहीं चाहते कोई कमेंट्स करे कि बनिया बनाई बाल बल की नहीं सेकनी, अपनी बाल के सेकांगे। जो लाल पातशाह सरकार ने तफीक दी तिलक थोड़े तो ही लवाना सरकार, अज तो मेरे तुम सरकार हो गए आ, वो इन्नी गुस्ताखी तो बाद 3 दिन के नोटिस। इतने तो साढ़े भरा इदा दे कि एक बंदा मेरे को रोज़ आया करे, मुड़ के वो शिकायत आने लग पी कि वो हूँ चज ना बोलता नहीं। मैं उन्होंने क्या वे इधरा सारा उल्लूआ जिन्ना जिन्ना ना हो जाए उन्ना उन्ना लिखी चाहिए हूँ, अकल ना बोलिया कर। कहता मैं अकल ना कितना बोल सकता, मेरी रीह नहीं बहुत चल गई दस अकल ना बोल दसो, कहता मैंने अकल ना बोलो कही जाता जिन्ना थोड़ा ना हो। मैं उन्होंने कहा साड़िया भी रीलां बड़िया चलिया, जे ताड़े मूँह कमले होंगे हूँ संगण लग जाने से। एक अद्धी वाली गुस्ताखी हो गई दलेर जी, वो हूँ नहीं होएगी, जुबान वढ़ दो जे कभी गुस्ताखी हो गई दस्त बस्ता माफी। हूँ म्यूजिक की जी अथॉरिटी आ जिथे लाल बादशाह सरकार नाल जाणिया जांदा नकोदर, उत्थे बाबा केसर चंद जी के नाँ से ताड़िया, जिन्हों की अद्धी फिल्म इंडस्ट्री साडा मुर्शद खाना है, मेरे दादा उस्ताद जी उस्ताद BS नारंग, बस अद्धे एक मिनट लिए मुखातब होंगे, उस तो बाद लोग एक्चुअली गाने ही तो गलों से तो ही गाने सुनने चाहते हैं। थैंक यू।
गुजारिश अपने भावों वास्ते।